In this question, if x plus 1 by x equals to 2 cos pi by 10, then x raised to power 5 plus 1 by x raised to power 5 is equals to, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो हमें दिए हुए x plus 1 by x equals to 2 cos pi by 10. ओके, सो x से मल्टीप्लाई करेंगे होल इक्वेशन को. सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x में एक हमारे पास. तो क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 2x cos pi by 10 plus 1 equals to 0. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी मीन्स 2 cos पाई बाई 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसी. तो 2 cos पाई बाई 10 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर पाई बाई 10 माइनस 4 अपॉन 2. तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 2 cos पाई बाई 10, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 इंटू cos स्क्वायर पाई बाई 10 माइनस 1 इज, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 10 अपॉन 2. ओके, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नोमेटर से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे हम यहाँ से. ओके, सो ये वैल्यू क्या आ गई, cos x इक्वल टू cos पाई बाई 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज आयोटा, तो यह जाएगा आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाई 10 इज, दिस इज साइन पाई बाई 10. तो यहाँ से वैल्यू कहते हैं x इक्वल्स टू, एक वैल्यू क्या आ गई, कोस पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 10, वहीं से हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी. तो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 10 के इक्वल है. ओके, ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 10, सो एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 10. तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5. सो एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5 की वैल्यू क्या जाएगी, व्हेन एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 10. सो ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 10, दिस इज एक्स, उसकी पावर क्या है 5, प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5 किया जाएगा, ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 10 होल रेज टू पावर 5. सो दिस विल बिकम, सो 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस 1 बाई 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2 पाई बाई 2. तो ये वैल्यू क्या आएगी, ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाई 2 इज, दिस इज इक्वल टू कोस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 इज, दिस इज इक्वल टू कोस माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन माइनस पाई बाई 2. ओके, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, दिस इज इक्वल्स टू कोस पाई बाई 2 इज 0 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 इज 1 प्लस ऑफ कोस ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज 0 माइनस ऑफ आयोटा माइनस ऑफ आयोटा. सो दिस इज इक्वल टू आयोटा से प्लस आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 0. क्या आ गई वैल्यू इसकी, 0. सो एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.